सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल ड्राइंग स्टडी को और बेल के आइकन को दबा दें, साथ ही ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। सभी को मेरा राम राम। काफ़ी दिनों से बच्चों के बड़े कमेंट आ रहे थे कि सर 26 नंबर स्केल की कागज़ बांट बताइए। तो कागज़ बांट तो सेम ही होती है सभी स्केलों की, लेंथ ब्रेथ हाइट जोड़ करके हमने आगे कार्य करना होता है। जैसे लेंथ और ब्रेथ जोड़ करके हमने लेंथ की साइड को अपने नाप लेना होता है और बची हुई शीट के 3 भाग करने, हाइट और ब्रेथ को हमने हाइट में लेना होता है, बची हुई शीट के 5 भाग करने होते हैं। फिर भी बच्चों को नहीं आ रहा था तो मैं 26 नंबर स्केल की कागज़ बांट करके बच्चों को बताता हूँ हमने क्या करना होता है। लेंथ ब्रेथ हाइट हमने लेनी होती है। तो इस स्केल की लेंथ है 51 सेंटीमीटर, ब्रेथ 51 सेंटीमीटर और हाइट है 105 सेंटीमीटर। तो इस तरह हमने ये लेना है। तो हमने सबसे पहले 51 और 51 हमारा होता है 102 सेंटीमीटर। तो हमने इसमें फुट्टा यूज करना है 2.15 सेंटीमीटर का जो हमें दिया गया है। तो हमने यहाँ से लेंथ में 2.15 सेंटीमीटर का फुट्टा लेकर के हमने 51 और 51 102 सेंटीमीटर हमने काटना है। तो ये हमारा 90, 95, 100 और 102 हमने यहाँ पे काटना है इस तरह से। और जो हमारी शीट बच जाती है उसमें हमने यहाँ से क्या करना है, एक हमने न्यून कोण लेना है यहाँ से इस तरह से, और इस पे हमने बराबर 3 भाग करने हैं। तो हमने इस पे निशान लगाना है, जो हमने ये न्यून कोण लिया है यहाँ से हम निशान लगाते हैं। ये एक अपनी मर्जी से हमने ये निशान लगाने 2 और 3 इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे 1, 2 और 3। अब हमने क्या करना है, ये जो 3 है इसको हमने लास्ट पॉइंट के साथ यहाँ पे मिला देना है इस तरह से। हमने यहाँ इसको मिलाना है इस तरह से, आप देख सकते हैं। इसी के समानांतर हमने रेखा लेनी है 2 से। तो ये आप देख सकते हैं हमारा 2 है इस तरह से, और हमने लेनी है रेखा 1 से। तो ये हमारा 1 है इस तरह से, आप देख सकते हैं। यदि आप चाहो तो इसको आप यहां से नाप सकते हैं, ये देखिए 1, 2 और 3 देखिए बिल्कुल बराबर हमारा आ रहा है, देख सकते हैं आप। इसी तरह से हमने क्या करना है, एक भाग हमने यहां छोड़ देना है ऊपर यहां पे इस तरह से, और हमने यहां से लेनी है इसकी लेंथ, और लेंथ हमारी है 51 सेंटीमीटर। तो ये आपका 50 और 1, 51 यहाँ आ जाता है। उसके बाद हमने लेना है एक भाग, तो यहाँ से एक भाग ये निशान लगा देंगे, और फिर हमारा है 51 सेंटीमीटर जो कि हमारी है ब्रेथ। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए ये 45 और 5 50 और 1 51, एक भाग हमारा अपने आप बच जाता है। यहाँ हमने एक भाग छोड़ रखा है पहले ही, यहाँ मैं आपको दोबारा से निशान लगा करके बता देता हूँ इस तरह से। और हमने यहाँ पे लेना है अब 51 सेंटीमीटर, तो यहाँ से हम 51 सेंटीमीटर लेते, ये आपका 45, 50 और 1, 51 सेंटीमीटर है। इसके बाद हमने लेना है एक भाग यहाँ से, आप देख सकते हैं ये हमारा एक भाग आ गया है। इसके बाद हमने लेना है फिर 51 सेंटीमीटर, तो यहाँ से 50 और 1, 51 सेंटीमीटर, और आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये आप देखिए यहाँ पे ये 1 सेंटीमीटर हमारा, एक भाग हमारा बच गया है। तो हम इसमें मिला देंगे, हम यहाँ से लाइन इसमें लगा देते हैं। हमने पूरी लाइन नहीं लगानी है, हल्की सी बिल्कुल लाइट हमने अभी लाइनें लगानी है क्योंकि ये लाइनें बाद में हमारी मिट जाएगी। तो यहाँ से हमने इस तरह से लाइनें लगानी है और ये हमारी लाइनें आ जाएगी इस तरह से। ये बहुत अभी हमने लाइट लाइनें लगानी है इस तरह से, आप देख सकते हैं। अब हमने क्या करना है, यहाँ से हमने अब हाइट की साइड दे दी, हमने इसको बांटना है। तो हमने इसकी हाइट
और ब्रेथ जोड़नी होती है, और इसकी हाइट और ब्रेथ हमारी जोड़ के आ रही है 156 सेंटीमीटर। तो हमने क्या करना है, यहाँ से ये आपका है 150 सेंटीमीटर, मतलब 150, 155 और 156। इस तरह से हमने निशान लगा देना है, और जो हमारी शीट बच जाती है इसके हम करते हैं 5 भाग बराबर हाइट में। तो यहाँ से हमने एक न्यून कोण, जैसे हमने लेंथ की साइड लिया था वैसे हम यहाँ ले लेंगे इस तरह से, और जो हमारी ये लाइन आ गई है इसमें हमने बराबर 5 निशान लगाने हैं। आप ज़्यादा कम कितने भी कर सकते हैं यहाँ से, जैसे मैं यहाँ लगा लेता हूँ 1, 2, 3, 4 और 5, इस तरह से हमने निशान लगा दिए। आप इसमें गिनती भी लिख सकते हैं 1, 2, 3, 4 और 5। अब हमने ये जो आपका लास्ट पॉइंट है इसको आपने मिलाना है 5 के साथ, यहाँ से इस तरह से आप देख सकते हैं, और इसी के समानांतर हमने रेखा लेनी है अब यहाँ से 4 से, तो ये आप 4 से ले सकते हैं, ये हमारी आ जाएगी 3, 2 और 1 इस तरह से। ये आपका जल्दी से इस तरह भाग हो जाते हैं, और आप चाहो तो इसको नाप सकते हैं यहाँ से, ये 1, 2, 3, 4 और 5 तो बिल्कुल बराबर हमारे भाग आ रहे हैं यहाँ पे। हमने क्या करना है, 2 भाग हमने जो है वो लेने हैं इकट्ठे यहाँ से, ये ले लो चाहे आप ये ले लो, देखिए बिल्कुल बराबर है। तो हमने ऊपर से यहाँ से हमने 2 भाग पहले काटना है यहाँ से, ये आप देख सकते हैं इस तरह से। उसके बाद हमने लेनी है इसकी हाइट, जितनी इसकी हाइट है, इसकी हाइट है 105 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमने ये आपका 2 भाग छूट गए थे, तो उसके बाद हमने लेनी है इसकी हाइट, हाइट है 105 सेंटीमीटर। तो ये आपका 90, 95, 100, 105 सेंटीमीटर। उसके बाद हमने एक भाग, इसका एक भाग है वो हमने छोड़ना है यहाँ पे, कोई सा भी एक भाग ले सकते हैं। तो यहाँ से हमने ये एक भाग छोड़ दिया है, अब हमने लेना है इसकी ब्रेथ, ब्रेथ हमारी है 51 सेंटीमीटर। तो ये 45, 50 और 1, 51, आप ये देख सकते हैं यहाँ पे कि हम यहाँ निशान आ रहा है। तो यहाँ से पीछे 2 भाग हमारे अपने आप ही बच गए हैं, और हमने 2 भाग जो हमने लिए थे ये हमने ले रखे हैं जैसे यहाँ पे, तो इतनी हम यहाँ पे कर खोल रहे हैं, और हमने यहाँ से जो है वो इसको काट देना है। ऊपर से भी 2 भाग छूटेंगे, नीचे से भी 2 भाग छूटेंगे, तो हम पहले यहाँ पे ऐसे निशान लगा देते हैं दोनों साइड, ऊपर और नीचे यहाँ पे। और अब हमने जो है यहाँ से हमने काटनी है इसकी हाइट, तो इसकी हाइट हम काट लेते हैं यहाँ से 105 सेंटीमीटर, ये हमारा 105 सेंटीमीटर है। अब हमने लेना है इसमें एक भाग जो हमने यहाँ छोड़ रखा है, आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ पर एक भाग आ गया, और ये जो हमारा बचता है ये हमारा ब्रेथ है, मतलब कि हमारा ये है 51 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए बिल्कुल 50 और 1, 51 सेंटीमीटर आ गया है। इस तरह से आपने इसके जो है वो कागज़ बांट करनी है, बहुत आसान है, पता नहीं क्यों बच्चों को इसमें दिक्कत आ रही थी। तो इस तरह से अब ये हमारी जो है लेंथ बननी है, हमने अभी लाइन ज़्यादा लंबी नहीं लगानी है क्योंकि जितनी हमें ज़रूरत है हम उतना ही कार्य करेंगे इस तरह से। और यहाँ पे ये लाइन हमारी लंबी आएगी क्योंकि एक्स वाई लाइन है, इस तरह से ये आधार रेखा होती है, और यहाँ पे हम इतनी लाइन लगाएंगे, यहाँ हम थोड़ी लाइन लगा रहे हैं, ये मैं लिखूँगा यहाँ पे इसकी हाइट और ब्रेथ लिखने के लिए मैं लाइन लगा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ से ये हल्की सी मैं लाइन लगाऊंगा, यहाँ आगे मुझे लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये लाइन हमारी मिट जाएगी यहाँ पे, इसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस तरह से। यहाँ पे लाइन हमारी है, यहाँ पे जो है ये हमारा प्रोजेक्शन का सेक्शन आएगा यहाँ पे, ये हमारा क्रॉस हो जाता है इस तरह से। और अब हमने ये जो लाइन है हमारी इनको हम डार्क कर देंगे यहाँ तक, ये हमारी लाइन है,
से यहाँ है और उसके बाद इस तरह से यहाँ भी हम इसमें लाइन लगा देंगे। और जो फालतू हमारी लाइनें हैं उनको मिटा देंगे। तो अब हम इसमें लिखेंगे यहाँ पे जो आधा रेखा है ये हमारी है एक्स वाई लाइन है, यहाँ पे हमारी आएगी हाइट और हाइट हमारी है 105 सेंटीमीटर। यहाँ इसकी आएगी आपकी ब्रेथ, ये हमारी है 51 सेंटीमीटर। यहाँ हमारी आएगी इसकी लेंथ, यहाँ पे लेंथ भी हमारी है 51 सेंटीमीटर। इस तरह से हमने इसकी कागज बांट करनी है। अब हमने जो है यहाँ पे इसमें लिखना है एलिवेशन, एलिवेशन यहाँ पे हम लिखेंगे इसमें साइट, यहाँ लिखेंगे प्लान और यहाँ हम लिखेंगे प्रोजेक्शन, यहाँ हम इसमें लिखेंगे स्केल कार्ड और ये हमारा स्केल नंबर आएगा 2.15 सेंटीमीटर। अब आपने इसमें सिर्फ यहाँ पे लेफ्ट साइड या राइट साइड में आप लिखेंगे इसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट, वैसे हमने यहाँ लिख दी है फिर भी आप चाहो तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 51 सेंटीमीटर है और हाइट इसकी है 105 सेंटीमीटर। इस तरह से आपने इसकी कागज मार्ट करनी है, बहुत आसान तरीके से मैं इसको मैं आपको बताया हुआ है। यहाँ जैसे एलिवेशन साइट प्लान प्रोजेक्शन आपने लिख रखा है, आप चाहो तो यहाँ पे दो लाइनें लगा सकते हैं और उसके बीच में आप जैसे लिख सकते हैं ये हमारी स्केल नंबर है 26। इस तरह से आपने बनानी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल ड्राइंग 360।